ग्वालियर क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन 28 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में संपन्न होगा। इस सम्मेलन में लगभग 4000 अतिथि भाग लेंगे। उद्योग विभाग के अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य उद्योग और निवेश के क्षेत्र में नए अवसर की तलाश करना और क्षेत्र के विकास को गति देना है। उन्होंने बताया कि ग्वालियर के चंबल संभाग में 10 इकाइयों द्वारा लगभग 2,570 करोड़ का पूंजी निवेश और 4,550 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा क्षेत्र की स्थापित 5 इकाइयों का विस्तार किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर 42 स्टॉल प्रदर्शनी लगाई जा रही हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 लगभग 2008 के बाद में ग्वालियर में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और इसके संबंध में प्रशासन की तरफ से जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और उनकी सतत मॉनिटरिंग चल रही है। बहुत वृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इसका नोडल है। जहां तक इन्विटेशंस भेजने की बात है तो देश और विदेश के बड़े लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट को भेजा गया है। साथ ही MSME को भी बढ़ावा देने का प्रयास है और इतना ही नहीं जो लघु उद्योग भी हैं उनको भी इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से किस प्रकार से लाभ हो सके ऐसा प्रयास किया जा रहा है। जो वेन्यू है वेन्यू पे जो पार्किंग अरेंजमेंट्स हैं वो पूरे प्लान कर लिए गए हैं। जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनके मूवमेंट कहाँ कहाँ संभावित हो सकते हैं उसके टेंटेटिव रूट्स पे व्यवस्था कर ली गई है। तो ग्वालियर पुलिस पूरी तरह तैयार है। हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स IG साहब और पुलिस मुख्यालय से भी लगातार निर्देश मिल रहे हैं। तो जो भी हमारे अतिथि आएंगे उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी प्रकार का व्यवधान ना हो और पूरे वेन्यू में बहुत अच्छे तरीके से सारी व्यवस्थाएं रहें। तो लगातार हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं और आगामी एक हफ्ते के अंदर और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।